वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। नेशनल असेंबली भंग करने का दांव खेलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष को तगड़ा झटका दे दिया। विपक्ष मानकर चल रहा था कि सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी और संख्या बल में इमरान खान हार जाएंगे, पर इमरान खान ने न तो इस्तीफा दिया और न ही अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार हुआ। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को संविधान और नियमों के मुताबिक नहीं पाने और इसकी अवधि निकल जाने की बात कहते हुए इसे खारिज कर दिया। उनके इस फैसले को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है, यह देखना होगा। अगर चुनाव हुए तो पाकिस्तान में सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएंगी और वही फैसला करेगी कि अब सत्ता किसे सौंपी जाए। वैसे तो पाकिस्तान में चुनाव अगले साल होने थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में लंबे समय से विपक्ष और सरकार के बीच टकराव चल रहा है और इमरान खान को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान में वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान देश में आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज किया जिससे जनता में उनके और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI को लेकर कोई नकारात्मक संदेश जाए। गौर करने वाली एक बात यह भी है कि जितनी भीड़ विपक्ष की रैलियों में जुटती है उतनी ही इमरान खान की रैलियों में भी आती है। दरअसल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके कारण भी कोई तात्कालिक नहीं है। आतंकवाद, महंगाई, आर्थिक संकट जैसे कारण तो पहले से चले आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो लंबे चौड़े वादे कर इमरान सत्ता में आए थे उन पर वे रत्ती भर खरे नहीं उतरे। सवाल तो यह है कि करें भी तो क्या। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, तो वह हर सत्ता में चरम पर ही रहा है और आज भी है। याद किया जाना चाहिए कि जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थीं तब उनके पति आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% के तौर पर मशहूर थे। जहां तक सवाल है आतंकवाद से निपटने का, तो आतंकवाद पाकिस्तान सरकार की अघोषित नीति कही जा सकती है। कौन नहीं जानता कि सरकार, सेना और ISI आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में इमरान खान कोई करिश्मा कर भी कैसे सकते हैं। याद यह भी किया जा सकता है कि इमरान खान अपने खिलाफ मोर्चाबंदी के पीछे विदेशी हाथ होने का दावा करते रहे हैं, और न ही यह कोई छिपी बात है कि सेना और इमरान खान के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। हालांकि इमरान को सत्ता में लाने में सेना की भूमिका भी जग जाहिर रही है। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता में
वही सरकार टिक सकती है जिस पर सेना मेहरबान हो। पाकिस्तान का इतिहास इसका गवाह रहा है। हाल में इमरान की रूस यात्रा न सिर्फ अमेरिका बल्कि सेना को भी खटकी है। पाकिस्तान सेना की का अमेरिका के प्रति मोह जरा भी कम नहीं पड़ा है। ऐसे में इमरान खान को लेकर सैन्य प्रतिष्ठान की नज़रें टेढ़ी होना लाजमी है। हालांकि सेना ने मौजूदा घटनाक्रमों से अपने को पूरी तरह अलग बताया है, पर सच्चाई तो सब जानते हैं। अगर 3 महीने के भीतर देश में चुनाव हुए तो देखना होगा कि सेना किस पर हाथ रखती है और पाकिस्तान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है, मगर सरकार इस पर काबू पाने का कोई उपाय तलाशती नजर नहीं आती। रोज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमतें भी थोड़े थोड़े अंतराल पर बढ़ जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेल आपूर्ति में रुकावट आने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। मगर 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव के मद्देनजर सरकार ने करीब 3 महीने ईंधन की कीमतों की समीक्षा रोके रखी, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यहां तक कि उस दौरान केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर तेल की कीमत घटाई थी, जबकि उस दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर थीं। तब स्वाभाविक ही पूछा जा रहा था कि अगर सरकार चुनाव के समय तेल की कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है तो बाद में क्यों नहीं। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब तक थोड़ा थोड़ा करके 7 रुपये से अधिक बढ़ चुकी हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। महीना भी नहीं हुआ कि सीएनजी की कीमत में 1.30 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की मार सबसे अधिक गरीब मध्य वर्ग और छोटे कारोबारियों पर पड़ती है। घरेलू गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये से पार पहुंच गया है। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत पिछले 1 महीने में 2 बार बढ़ चुकी है। ताज़ा बढ़ोतरी 250 रुपये की हुई है। इसी तरह पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत 5 रुपये प्रति घन मीटर बढ़ा दी गई है। खुदरा और थोक महंगाई इस समय अपने शिखर पर है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसे लेकर आम लोग परेशान हैं। इस पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर अतिरिक्त मार पड़नी शुरू हो गई है। तेल की कीमतें बढ़ने से केवल उन लोगों की जेब पर असर नहीं पड़ता जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बल्कि दोपहिया, तिपहिया और सार्वजनिक वाहनों से चलने वालों पर भी इसका असर पड़ता है। माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है तो उसकी मार हर वर्ग पर पड़ती है। उपभोक्ता
वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया, मगर हालात यह है कि पिछले 7 सालों में घरेलू गैस की कीमतें करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों को मुफ्त के सिलेंडर तो मिल गए, मगर उनमें गैस भराने के पैसे उनके पास नहीं हैं। अब बहुत सारे लोगों के सामने यह विकल्प भी नहीं बचा है कि पुराने तरीके से रसोई पका सके। इसी तरह व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत बढ़ने से छोटे स्तर के बहुत सारे कारोबारियों पर मार पड़ी है। खान पान की दुकानें चलाने वालों के सामने संकट है कि अगर वे अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं तो ग्राहक घटने की आशंका रहती है, और न बढ़ाएं तो घाटा उठाना पड़ता है। इस समय तेल पर करीब 27 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। अगर सरकार केवल उसमें कटौती कर दे तो कीमत नियंत्रण में आ जाएगी, मगर उसका ऐसा इरादा दिख नहीं रहा। स्टॉप।